What's up guys? This is Bhadbhushan Negi from the Mountain Accord. कल्पा की हसीन वादियों में आप सभी का स्वागत है। आजकल यहाँ पर एप्पल हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, जो किन्नौर का मेन कैश क्रॉप है। पर एप्पल के अलावा यहाँ का जो दूसरा मेन कैश क्रॉप है वो है चिलगोजा, जिसको चिलगोजा न्यूजा निजा के नाम से जाना जाता है। वो एक ड्राई फ्रूट है, इसका साइंटिफिक नेम है पाइनस चिराडियाना, और किन्नौर में इसको री और शांति के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, जो पूरी दुनिया में अफगानिस्तान के बाद किन्नौर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, पर वैसे पाकिस्तान के कुछ पहाड़ी रीजन और जम्मू कश्मीर के कुछ पहाड़ी रीजन में भी मिलती है, पर किन्नौर में सबसे ज्यादा मिलती है और आजकल उसका सीजन चल रहा है। तो आज के इस पूरे व्लॉग में हम देखेंगे कि कैसे चिलगोजा को हार्वेस्ट किया जाता है और किस तरह से वो मार्केट तक पहुंचता है। पूरा का पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में आप देखोगे। गाइस, ये जो चिलगोजा है काफी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि पहली बात तो काफी रेयर प्लांट है, और दूसरी बात इसका जो हार्वेस्टिंग प्रोसीजर है वो काफी डिफिकल्ट होता है, काफी लेबोरियस है, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमें बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है और एक स्किल्ड पर्सन ही चढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर टाइम पर ये पेड़ ऐसी जगहों पर ग्रो होते हैं जहां से अगर कोई गिर गया तो शायद ही कभी बच पाएगा। तो इसको कट करना पड़ता है, इसके कोन्स को, और इसके कोन्स को कट करने के बाद इसको कुछ टाइम तक, इसको 10 से 15 दिन तक इसको इंक्यूबेशन के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके जो कोन्स होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं स्टार्टिंग में, तो इसको इंक्यूबेशन के लिए छोड़ देते हैं। इंक्यूबेशन के लिए इसके ऊपर इसको हम पाइल अप कर देते हैं एक जगह पर, ऐसी जगह पर जहां पर डायरेक्ट सन नहीं पड़ रहा है और एयर भी, एयर के कॉन्टेक्ट से भी इसको हम बचाते हैं। तो इसके ऊपर हम कुछ कपड़े रख देते हैं, और दूसरी बात इसके ऊपर हम भांग, जो कैनाबिस सैटिवा है उसका जो प्लांट है उससे पूरी तरह से इसको रैप कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं। लगभग 10-15 दिन के बाद इसको हम निकालते हैं, तो इसके जो कोन्स होते हैं वो लगभग खुल जाते हैं, उसके बीच में कैविटी वॉइड सा बन जाता है, जिससे सीड्स को कलेक्ट करना आसान रहता है। तो काफ़ी लेबोरियस वर्क है, और इसके काफ़ी सारे यूजेज है, जैसे इसके मेडिसिनल यूज है, इसके ट्रेडिशनल यूज है, इसके डोमेस्टिक यूज है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, हाईली प्रोटीनिशियस है, और इसके काफ़ी सारा फाइबर होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है और विटामिन ई है। और दूसरी बात इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है इसमें, और फॉस्फोरस है, जिंक और सेलेनियम तक होता है। और जो इसका जो डोमेस्टिक यूज है, जैसे आप देख सकते हैं पाइनस जिराडियाना का जो ट्री है, इसकी जो नीडल्स है, लीफ जब ये गिर जाते हैं तो इसका जो ड्राई लीफ होता है, जो ड्राई ये नीडल्स है, इसको एज अ मैन्योर यूज करते हैं हम। दूसरी बात इसको हम काउ शेड में एज अ बेडिंग यूज करते हैं, जिसको यहाँ के लोकल डायलेक्ट में पॉश बोलते हैं। और जो इसका तीसरा ट्रेडिशनल यूज है, उसमें हम इस पाइनस जिराडियाना के सीड से माला बनाते हैं। तो किन्नौर में जो शादी ब्याह है या कोई भी समारोह होता है, तो हम चिलगोजे से बनी हुई मालाएं पहनाते हैं, और अगर कोई घर में मेहमान आता है तो तब भी हम उनको सर्व करने के लिए चिलगोजा यूज करते हैं। जब हम इसको ट्री से कट करते हैं, तो शुरू में इसके कोन जो इस तरह से कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है कोन्स की, आप देख सकते हैं इसमें कहीं कोई स्पेस नहीं है, कोई कैविटी नहीं है। और लगभग जब 10-15 दिन के लिए इंक्यूबेशन पे रखते हैं, और इंक्यूबेशन के बाद इसके कोन इस तरह से खुल जाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो काफी सारा वॉइड है और इसके अंदर पाइन सीड्स है। इसको कलेक्ट करना है तो इसको कट करना पड़ेगा, काफी लेबोरियस वर्क है ये, यही वजह है कि काफी एक्सपेंसिव होता है ये, और इस तरह से इसको कलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये पाइनस जिराडियाना के कोन और इसके ट्री में से बहुत सारा रेजिन निकलता है, गमी सा सब्सटेंस है। इसके काफी सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जैसे गम इंडस्ट्री में यूज होता है, दूसरी बात ये पेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जैसे इसे टर्पेंटाइन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो कोन है इसकी काफी सारे डोमेस्टिक यूजेस है, जैसे ये काफी फ्लेमेबल होता है, और सर्दियों में हम इसको आग जलाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि किन्नौर का टेम्परेचर बहुत डाउन चले जाता है सर्दियों में। जैसे कल्पा गांव का टेम्परेचर लगभग -15 to -20 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो जाता है सर्दियों में, तो सर्दियों में हम घरों में इसे आग जलाते हैं। और एक और इसका यूज है, जैसे कि आप इस पूरे के पूरे कोन में अगर आप पेंट कर दो अच्छा सुंदर सा, तो आज आप इसको एज अ डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। गाइज, ये जो पाइनस जिराडियाना है कम्प्लीटली ऑर्गेनिक प्लांट है, और ये प्रोडक्ट है कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, और इसके जो ट्रीज है ये किन्नौर में, पूरे किन्नौर में तो नहीं मिलता है, सेंट्रल रीजन में मिलता है, और पिछले कुछ सालों में इसकी क्वांटिटी में बहुत कमी आई है। इसके बहुत सारे वजह है, जैसे अनसाइंटिफिक वे में इसको हार्वेस्ट करना, क्योंकि ज्यादातर टाइम पे जो इसके कोन्स है वो एजिस पे होते हैं या बहुत टॉप पे होते हैं, और हर वक्त इंसान वहां तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि बहुत थिन थिन स्टेम ब्रांचेस पे ये ग्रो होते हैं। तो वहां तक अगर इंसान नहीं पहुंचता है तो क्या करते हैं लोग, ज्यादातर टाइम पे वो
इसके ब्रांच को कट कर देते हैं जिससे पेड़ को काफ़ी हार्म पहुंचता है। और दूसरी बात, किन्नौर में पिछले कुछ साल में बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, तो जब वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने थे तो बहुत सारे ट्रीज को नुकसान पहुंचा था, डैम कंस्ट्रक्शन के वक्त, टनल डिगिंग के वक्त, पावर ट्रांसमिशन लाइन जब वो बिठा रहे थे, तो बहुत सारा नुकसान हुआ यहाँ के एनवायरनमेंट को। और किन्नौर ही हिमाचल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो जब यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाती, जैसे मैं अकेला अगर टीडोंग प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो जब टीडोंग प्रोजेक्ट बन रहा था तो अकेले टीडोंग प्रोजेक्ट से 2,803 चिलगोजे के पेड़ कटे हैं, जिससे किन्नौर की इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा लॉस पहुंचा है। और ये जो प्लांट है ये इजीली ग्रो नहीं होता, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली ग्रो होता है। अगर आप इसको आर्टिफिशियली ग्रो करवाना चाहते हो तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अब तक बहुत कम रिजल्ट है इसके। अगर आप देखोगे साइंटिफिक रिसर्च भी देखोगे तो आर्टिफिशियली इसको ग्रो कराना आज तक बहुत ही डिफिकल्ट रहा है साइंटिस्ट को। सो गाइज, ये थी चिलगोजा की जर्नी कि कैसे वो ट्री से हार्वेस्ट होता है, कैसे वो सीड्स को कलेक्ट करते हैं और कैसे वो मार्केट तक पहुंचता है। आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगर आप लोगों ने द माउंटेन रिकॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।